नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स की, वुमेन्स टीम हम लोग बनाने वाले हैं आज, जो कि मैच शुरू होने वाला है T20s वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, या इंग्लैंड वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन। वेस्ट इंडीज़ वुमेन का टूर जो कि चल रहा है इंग्लैंड में, उससे पहले आयरलैंड में चला था, काफ़ी अच्छे खासे मैचेस हुए थे। और ये जो मैचेस होते हैं इसमें आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस जो भी मैचेस होते हैं वुमेन्स के, इसमें ना ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो जो जानकारी नहीं होती है, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मैं आपको पूरी ए टू जेड जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी प्लेयर्स है जो अच्छी है, उनके उन पर आप है ना खेल सकते हैं, उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो पहले फटाफट प्रीव्यू से हम लोग शुरू करते हैं कि मैच की डिटेल्स कहाँ हैं। मैच की बात करें तो ये तीन मैचेस होने वाले हैं अभी T20s के। इससे पहले ODIs हुए थे और ODI को इंग्लैंड ने काफ़ी बुरी तरह वेस्ट इंडीज़ को हराया था। तो जैसे कि होम ग्राउंड में हो रहा था, और जो इंग्लैंड की वुमेन्स टीम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप भी है ना जीती थी, तो इंग्लैंड की वुमेन्स जीती थी, तो उसी हिसाब से आपको टीम भी बनानी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट गेम होने वाला है ये नॉर्थ एमिल्टन में होने वाला है, और जो कि टाइम अगर हम बताएं कि आप ये कब देख सकते हैं, तो 11:30 बजे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगर देखें कि लास्ट फाइव मैचेस हुए हैं T20s के, उसमें इंग्लैंड बहुत भारी है ना पड़ी है, हर सारे मैचेस वो जीती है। और विंडीज़ की भी बात करें, विंडीज़ वुमेन्स की भी बात करें, तो इससे पहले जो आयरलैंड का टूर था उसमें भी है ना विंडीज़ सारे जो T20s थे वो जीती थी, तीनों के तीनों। जैसे कि आप देख सकते हो, उससे पहले एक हारी है, एक टाई हुआ है, तो ये जो कि उसके बाद जीती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड है। विंडीज़ भी काफ़ी अच्छी टीम है। आप जानते हैं कि T20s में वुमेन्स की हो या मेन की हो, दोनों में मैं बता दूं, विंडीज़ की T20 टीम्स अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी जीत सकती है, कभी भी उलट फेर हो सकता है। तो पिच कंडीशंस की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इससे पहले जो T20s वुमेन का यहाँ पे तो कभी नहीं हुआ है, T20 ब्लास्ट हुआ है। T20 ब्लास्ट होता है इंग्लैंड का T20, जो कि मेंस का होता है। उसमें अगर एवरेज स्कोर देखें तो यहाँ पे है 194, ठीक है, 194 एवरेज स्कोर है, और वहाँ पे 200 के है ना टोटल आराम से बन जाते थे, लेकिन वो मेंस के थे। तो वुमेन्स में भी ऐसा नहीं है, वुमेन्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड की बात करें, एलन जोन्स हो, बिमोंट हो, टेलर हो, स्कीवर हो, तो ये सारे काफ़ी पॉपुलर प्लेयर्स है। और एक और प्लेयर है जो जिसको मैं आपको अभी नीचे है ना बताऊंगा कि है ना काफ़ी पावरफुल वो पिक हो सकती है T20 के इलाज से। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे पहले मैंने अभी अभी प्रिव्यू डाला है, जो अभी इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में मैच होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, फटाफट जाइए वो वीडियो भी देख लीजिए, और अपनी ड्रीम 11 की टीम उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और जो भी फाइनल टीम होगी, मैं उसका लिंक जो भी होगी उसका मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम में डाल देता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने उसमें दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जो भी पल पल की जो अपडेट होती है वहां पे मैं डाल देता हूं, मैच शुरू होने से पहले जो मैं अपनी टीम बनाने वाला वो भी मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है। ये सारे प्रिडिक्शन है, YouTube में जितने भी है ना चैनल्स हैं आपको सब प्रिडिक्शन ही देंगे, कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि टॉस शुरू होने से पहले क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, सब अनुमान ही लगा सकते हैं ट्विटर हैंडल और इसके थ्रू। तो मैं भी आज आपको इसी के थ्रू, सारे नॉलेज के थ्रू इसको कंपाइल करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पिच की कंडीशंस मैंने बता दी, एवरेज स्कोर यहाँ पे वुमेन्स T20 अगर हुआ है तो 124 का है, ठीक है, 124 तो मान के चलिए। अगर इंग्लैंड पहले करती है बैटिंग तो मुझे लगता है 140-150 आराम से बन सकता है, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग अगर देखें, जो भी चेस किया है पाँचों बार जीता है, तो मान के चलिए कि जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग ही करना चाहेगा, बाद में चेस करेगा। इंग्लैंड वुमेन्स की बात करें, जी हाँ, यहाँ पे देखें तो पहला जो नाम आता है डेनियल वॉट काफ़ी ही बढ़िया प्लेयर है T20 में। ODI में नीचे आती है करने बैटिंग, लेकिन T20 में इनसे ओपनिंग कराया जाता है और काफ़ी ही गजब की प्लेयर है। इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा। आज बहुत सारे लोग जाएंगे कि है ना बिमोंट को बना दें, एमी जोन्स को बना दें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वॉट को बनाएं। वॉट काफ़ी ही बढ़िया प्लेयर है, और मैं भी अपनी टीम में वॉट को रखने वाला हूँ, वाइस तो जरूर बनाने वाला हूँ मिनिमम। उसके बाद देखिए सारा टेलर भी ठीक है, अभी फॉर्म में आई है। इससे पहले लास्ट जो ODI था उसमें 70 रन मारी थी, लेकिन उससे पहले फ्लॉप ही रही है। हैदर नाइट है, स्कीवर है। तो यहाँ तक कि अगर बैटिंग की बात करें तो ऊपर के ये केवल टॉप तीन है, यही मोस्ट पॉपुलर है। और स्कीवर जो कि अच्छा खेलती है, नीचे आती है, कभी कभी ऊपर भी आ जाती है, ये बॉलिंग करती है,
तो बॉलिंग करती है तो ये काफी रोल अदा कर सकती है, तो इसको आप जरूर लीजिए। डेनियल वाइट भी है, वो भी बॉलिंग करती है, तो इसका आप ध्यान रखें। ब्रंट जो कि काफी पॉपुलर प्लेयर है, ब्रंट को तो लीजिए ही लीजिए, अभी अभी इंक्लूड की है। थर्ड ओडीआई में ब्रंट नहीं खेली थी और स्कीवर नहीं खेली थी, तो वो T20 स्क्वाड में आ गई है और है ना उनको रिलैक्स करने के लिए ना उनको मौका दिया था, इसीलिए वो वेट की थी। और यहाँ पे क्रॉस हुआ, एक्लिस्टन हुआ, एक्लिस्टन तो और बढ़िया प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर है, तो उस पर भी आप है ना रिलाई कर सकते हैं अगर आप ड्रीम इलेवन की टीम बनाए। और लिंसले स्मिथ, यहाँ पे जो लिंसले स्मिथ है ये भी आज खेल सकती है, उनको भी पहली बार T20 के स्क्वाड में यहाँ पे लिया गया है, तो ये भी खेल सकती है, तो मैं भी इनको रखने वाला हूँ। तो ये सारे की प्लेयर्स होने वाले हैं अगर इंग्लैंड वुमेन्स की बात है ना करें। विंडीज वुमेन की बात करें तो यहाँ पे मैथ्यू है, मैथ्यू काफ़ी अच्छी प्लेयर है, विकेट्स अगर ओडीआई में देखें इन्होंने लिए हैं, और यहाँ पे बैटिंग में भी देखें तो ओपनिंग आती है और काफ़ी अच्छी स्ट्रोक हिटर है, अच्छा मारती है, पिंच हिटर है। और इसके बाद जो मुझे लगता है जो कैम्बल है ये भी है ना काफ़ी अच्छी प्लेयर है, बैटिंग के लिहाज से अच्छी करती है, बॉलिंग नहीं करती है, नेशन बॉलिंग करती है और बैटिंग भी करती है, काफ़ी टिक के खेलती है, रुक रुक के खेलती है। स्टिफनी टेलर ये भी अच्छी प्लेयर है, काफ़ी अच्छी प्लेयर है और ऑलराउंडर है, दोनों काम करती है। देखना होगा कि आज कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि ODI में इनका काफ़ी ही बेकार परफॉर्मेंस रहा है अब तक, तो इनसे काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद होगी। और यहाँ पे एफ ई फ्लेचर ये भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, और यहाँ पे किंग यहाँ पे दोनों ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती है, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये हो गई बात विंडीज वुमेन की, ज़्यादा डोमिनेट होगी इंग्लैंड वुमेन, तो मैं कहूँगा कि आप 7-4 का है ना जरूर बनाएं, 7 प्लेयर आप इंग्लैंड के लीजिए और 4 प्लेयर आप विंडीज के लीजिए। टीम न्यूज़ की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, ब्रंट और स्कीवर को है ना T20 स्क्वाड में ले लिया गया, स्टीफन टेलर जो कि है ना आखिरी वनडे में उनके हाथ में लग गई थी, जो राइट फिंगर की लिटिल फिंगर थी उस पर लग गई थी, तो उनका चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं लगा, तो उम्मीद करते हैं कि वो आज आएंगी, लेकिन मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कि वो बॉलिंग करेंगी, क्योंकि उनके लिटिल फिंगर में वो भी राइट हैंड है, तो राइट हैंडेड है वो, तो वो शायद ही अपनी है ना बॉलिंग कर पाए, तो देखना होगा कि आज है ना वो खेलती है नहीं खेलती, अगर नहीं खेलती उसी के हिसाब से हमें टीम बनानी पड़ेगी। पावर पिक की बात करें तो पावर पिक आपको ये है डेनियल वॉयट सबसे बेस्ट प्लेयर है T20 की, फर्स्ट मैच हो रहा है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जरूर इसको कैप्टन बनाएं, अगर है ना फर्स्ट है ना ये बैटिंग कर रही है तो जरूर कैप्टन आप बना सकते हैं इंग्लैंड अगर है ना बैटिंग कर रही है। इनका रिकॉर्ड आप देखिए तो गजब का रिकॉर्ड है, गजब का, तो आपको कैप्टन जरूर बनाना चाहिए इन्हें। तो अब मैं आपको बताता हूँ फटाफट मेरी जो ड्रीम इलेवन की टीम है मैंने क्या बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी ड्रीम इलेवन की टीम है, यहाँ पे पहली टीम जो मैंने बनाई है यहाँ पे देख सकते हैं, एमी जोन्स को रखा है, एसकिंग को लिया, बिमोंड को लिया, वॉइट को रखा है, वॉइट मैंने बोला काफ़ी अच्छी प्लेयर है, वाइस रखा है और मैथ्यू को रखा है। मैथ्यू को कैप्टन इसलिए बनाया, वो ओपनिंग करती है और बॉलिंग करती है, लेकिन वॉइट का क्या है कि वो कभी बॉलिंग करती है कभी नहीं करती, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको वाइस रखा। और यहाँ पे मैंने सारे बॉलर्स भर लिए नीचे, आप देख सकते हैं 7-4 का कॉम्बिनेशन है। फ्लेचर को लेना ही लेना है अगर टेलर नहीं खेलती है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए दूसरी टीम बनाई है। और स्कीवर बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है लेकिन नीचे आती है, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। और क्रॉस को ले लिया, एल स्मिथ को रख गया, अगर आप एल स्मिथ को मैनेज करके अगर इनकी जगह अगर आप ब्रंट को लिख सकते हैं तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक और टीम बनाई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें मैंने ब्रंट को ही कैप्टन रख लिया, अगर पहले बॉलिंग करती है तो ब्रंट काफ़ी ही असरदार हो सकती है, स्टार्टिंग के विकेट्स है ना गिरा सकते हैं, अगर स्टार्टिंग के विकेट्स गिर जाएंगे तो यहाँ पे कैम्बल आ जाएगी, एस किंग आ जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, इनके बैट्समैन को रखा हुआ है। आप चाहे तो 8.5 में इनका कोई बॉलर भी रख सकते हैं, कॉर्नेल को रख सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन मैं कैम्बल के साथ गया हूँ। मैथ्यू को मैंने नहीं लिया है क्योंकि स्टार्टिंग के विकेट गिरेंगे, इसीलिए मैंने ब्रंट को कैप्टन बनाया और वाइस यहाँ पे एज यूजुअल वाइट को बनाया, जिसको कोई भी नहीं बनाने वाला, सब सोचेंगे कि बिमोंड या जोन्स को बना लेंगे, लेकिन मैंने आपको ये न्यूज़ दे दी है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर आपने हाँ इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का अगर प्रीव्यू नहीं देखा फटाफट जाइए वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो के साथ मैं अभी यहीं पे इजाज़त लेता हूँ, टिल देन गुड बाय एंड अलविदा।